ये पहली बार है कि एक देश में बच्ची के साथ रेप बलात्कार हुआ था, आज पहली बार उसको इंसाफ मिला। आज का दिन 20 मार्च है, आज का दिन हमारी बच्चियों के नाम, हमारी महिलाओं के नाम, क्योंकि आज का दिन निर्भया को इंसाफ मिला, पूरे देश के बच्चियों को इंसाफ मिला। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, खासकर अब देर से ही सही इंसाफ मिला। मैं अपने जुधिष्ठिरी को, अपने न्याय व्यवस्था को, अपने राष्ट्रपति महामहिम को, अपने सरकारों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फैलता, लेकिन आज संतुष्टि इस बात की है कि एटलीस्ट निर्भया को जस्टिस मिला, उस चीज की संतुष्टि है। लेकिन एक और बात मैं कहूंगी कि देश की और भी बेटियां जिनके साथ निर्भया जैसा हीनियस क्राइम हुआ है, वो भी अभी इंतजार कर रही हैं। तो जो भी मीडिया हाउसेज है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जस्टिस हर किसी को मिले, वहां तक पहुंचे, उन केसेस को उठाएं, और जो भी सिस्टम से नाचते घूम रहे हो, दौड़ते घूम रहे हो, रात दिन लगाते घूम रहे हो, चौकड़ी बनाए घूम रहे हो एक माँ के लिए, और ये माँ नहीं है क्या? इस माँ ये मजलूम नहीं है, ये बच्चा मजलूम नहीं? क्या 8 साल से कम उम्र का कोई इस केस में विक्टिम है? 8 साल से कम उम्र का कोई विक्टिम है? चोर की माँ को पकड़ो। हाँ, चोर की माँ को पकड़ो तो फिर तो क्यों हमला होना, फिर तो उस कारण पे जाओ कि रात के 12:30 बजे तक क्यों नहीं पता था कि हमारी बेटी कहाँ है, फिर उस माँ पे जाओ, वो चोर की माँ को पकड़ेंगे आप कि 12:30 बजे तक यही पता नहीं था कहाँ है बेटी, किसके साथ है, किस हालात में, कैसी? ये बातें छोड़ दीजिए आप, बहुत बातें बढ़ेंगी, बहुत बातें फिर दूर तक जाएंगी। आप इतनी बातें करिए।